आज का टॉपिक है विज्ञापन लेखन। ठीक है, इस टॉपिक पर आपसे क्वेश्चन भी किए गए थे फर्स्ट टर्म एग्जाम से, लेकिन बहुत बच्चों ने इसका या तो आंसर नहीं किया या फिर घिसा पिटा कुछ भी बना के। तो पहले एक बार फिर से हम लोग विज्ञापन लेखन को समझते हैं। विज्ञापन लेखन, विज्ञापन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, वी और ज्ञापन। वी का मतलब क्या होता है? विश्वास। विशेष, गुड, मतलब तुम नोट्स रखी हो। और ज्ञापन का मतलब और ज्ञापन का मतलब क्या होता है? सार्वजनिक सूचना। ठीक है, जब हम इसको मिला के देखें तो मतलब किसी विशेष वस्तु या सेवाओं के बारे में सार्वजनिक सूचना देना ही विज्ञापन कहलाता है। लिखिए, हेडिंग दीजिए, फिर से लिखिए, हेडिंग विज्ञापन लेखन। अगर फिर से लिखेंगे तो फिर से अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, विज्ञापन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, विज्ञापन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, वी और ज्ञापन। ज्ञापन वी मतलब विशेष। वी का अर्थ होता है विशेष। और ज्ञापन का अर्थ होता है सार्वजनिक सूचना। इसलिए यहां तक विज्ञापन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, वी और ज्ञापन। वी का अर्थ होता है विशेष और ज्ञापन का अर्थ होता है सार्वजनिक सूचना। पैराग्राफ चेंज। अतः विज्ञापन का अर्थ, अतः विज्ञापन का अर्थ किसी विशेष वस्तु या सेवा के बारे में सार्वजनिक सूचना देना। ठीक है, अब समझिए, यदि किसी को कंपनी को अपनी सेवा या किसी प्रोडक्ट के बारे में बताना है तो कैसे बताएगा? एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन की मदद से। तो विज्ञापन से क्या काम, क्या क्या कार्य हो सकते हैं, क्या कार्य है विज्ञापन? एक एक करके हम लोग जानेंगे। लिख लीजिए, हेडिंग दीजिए, विज्ञापन के कार्य।
जानकारी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्या पता चलता है? विज्ञापन के माध्यम से हमें सूचना प्राप्त होती है। तो सबसे पहला होगा सूचना देना। सेकेंड क्या हो सकता है? विज्ञापन का काम क्या है? हमारा ध्यान उस प्रोडक्ट की ओर आकर्षित करना। यस, सेकेंड इज ध्यान आकर्षित करना। थर्ड क्या होगा? नोट्स है पास में तो पता होगा। क्या रिया? किसी भी प्रोडक्ट के मांग में वृद्धि करना। जो भी वस्तु बेचनी है उसके मांग में वृद्धि होनी चाहिए, तभी तो विज्ञापन का कोई मतलब होगा। नहीं तो विज्ञापन देने का क्या मतलब होगा जब उसकी मांग में वृद्धि ही ना हो। ठीक है, तो थर्ड इज मांग में वृद्धि करना। फोर्थ नंबर, इच्छा का निर्माण करना। इच्छा का निर्माण करना मतलब लोगों के मन में उस वस्तु के प्रति उत्सुकता जगाना ताकि वह उस वस्तु को खरीद सके। ठीक है, अब कोई भी जैसे कोलगेट का ही ले लेते हैं हम लोग एक विज्ञापन, उसमें यदि कोई चेंज लाता है तो क्या प्रचार के द्वारा हमें बताता है? अगर प्रचार हमें अच्छा लगता है तो हम उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं। ठीक है, फिफ्थ नंबर, तुलनात्मक जानकारी देना। तुलनात्मक जानकारी देना का मतलब यह हुआ कि दो वस्तुओं के बीच अगर सेम टाइप की हैं दो वस्तुएं, तो उस दोनों में क्या अंतर है जो कि हम उस वस्तु को खरीदें। ठीक है, अब अभी वेद शक्ति कोलगेट का आ रहा है, बाबा रामदेव का कौन सा रहा है? दंत कांति। अब दोनों में क्या अंतर है? कलर। तो वह विज्ञापन इस चीज को बताएगा कि दोनों में अंतर क्या है, क्वालिटी में अंतर है या पैसे में अंतर है या फिर टेस्ट में अंतर है। यह जब बताएगा तो अगर हमें वह बात सेटिस्फाई करेगी, हमें वह बात अच्छी लगेगी, तो हम उस वस्तु को खरीदेंगे। ठीक है, लिखिए तुलनात्मक जानकारी देना। फर्स्ट क्या लिखे थे? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तुलनात्मक जानकारी। अब लास्ट, स्थिरता प्रदान करना। क्योंकि एक जैसे प्रोडक्ट बहुत सारे आ गए, अब जब हम लोग बेस्ट की तरफ ही जा रहे हैं तो इसमें भी बेस्ट से ही समझते हैं। अब कोलगेट हम लोग बचपन से, इवन मैं भी अपने बचपन से जानती आ रही हूँ, आप लोग भी जान रहे हैं, तो यह बहुत ही पुराना प्रोडक्ट है। इसकी मांग में वही वृद्धि रहनी चाहिए जो पहले थी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कोलगेट को बीच बीच में अपने विज्ञापन में परिवर्तन करके उसको लोगों के सामने रखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, हमेशा अपडेट रहना होगा, तभी उसका प्रोडक्ट में स्थिरता बना रहेगा, मांग में वृद्धि बनी रहेगी। नहीं तो उसके जैसे प्रोडक्ट और भी सारे हैं। कोई एक प्रोडक्ट होता है जो बहुत पुराना होता है लेकिन उसकी मांग में वृद्धि हमेशा बनी रहती है। उसका कारण यह है क्योंकि उसने अपने विज्ञापन में स्थिरता बनाए रखा है। ठीक है, तो लास्ट वन इज स्थिरता प्रदान करना। विज्ञापन के प्रकार।
क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके लिखिए पहला प्रेरक विज्ञापन। प्रेरक विज्ञापन इसके बारे में लिखिए। इस प्रकार का विज्ञापन जनता अथवा उपभोक्ताओं को वस्तु के प्रति आकर्षित कराने तथा अपनी वस्तु की प्रतिष्ठा को स्थापित कराने के लिए किए जाते हैं। प्रेरक का मतलब क्या होता है? किसी को वो करने के लिए प्रेरणा देना, ठीक है, प्रोत्साहित करना, ठीक है। प्रेरक विज्ञापन भी यही कार्य करता है, लोगों को प्रेरित करता है कि वह उस वस्तु को खरीदें। इससे उस वस्तु की प्रतिष्ठा जो मान होता है वह बनी रहती है, ठीक है। जैसे कि मैंने कोलगेट की बात की, इसी तरह बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो काफी पुराने हैं। सनसिल्क शैम्पू है, काफी पुराना है। इसी तरह और कोई विज्ञापन जो आपको लगता है काफी पुराना है? ब्रिटानिया काफी पुराना है। मतलब आपके पास बहुत सारे विज्ञापनों की लिस्ट है जो बहुत दिनों से चली आ रही है। और हाँ, और उसकी यह भी देखिए कि आश्चर्य की बात है कि इतने सारे प्रोडक्ट के आने के बावजूद उसके मांग में कोई कमी नहीं आई, ठीक है। उसका कारण यह भी है कि उसकी मार्केट की पकड़ काफी अच्छी है, उसका विज्ञापन उतने ही आकर्षक है अभी भी, जो जनता को या ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ठीक है। सेकंड विज्ञापन सांस्थानिक विज्ञापन व्यावसायिक संस्थान ये विज्ञापन व्यावसायिक संस्थानों द्वारा प्रकाशित वो प्रचारित किए जाते हैं। ग्राहक
ग्राहकों का विश्वास अर्जित करने के लिए तथा अपनी मान प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए इस प्रकार के विज्ञापन किए जाते हैं। जैसे कि कोई कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट, कोई कोचिंग सेंटर, ठीक है, वे इस तरह के विज्ञापन करवाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने बहुत सारे विज्ञापन देखे होंगे किसी कोचिंग सेंटर के या फिर किसी इंस्टीट्यूट के। तो उसका कारण यह होता है कि एक तो वह जनता के सामने अपने आप को प्रस्तुत करना चाहते हैं और यह भी बताना चाहते हैं कि यदि वे अपने बच्चों को या फिर वे खुद उस संस्था से जुड़ते हैं तो वह कहीं ना कहीं जरूर सफल होंगे। ऐसे कोई संस्था के नाम? हाँ, मैसूस। तो ये ऑनलाइन हो गया, ऑफलाइन बताइए। जो अभी मेडिकल वगैरह की तैयारी करवाता था कुछ दिन पहले तक का भी, हाँ, आकाश इंस्टीट्यूट, आकाश इंस्टीट्यूट है, और भी कोई, हाँ, ब्रिलियंट है, इस तरह के इंस्टीट्यूट वगैरह जो होते हैं, जो विज्ञापन इस तरह के करते हैं, वह सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए और जनता तक अपने आप को पहुंचाने के लिए करते हैं। प्लीज डोंट टॉक। ऑनलाइन जो क्लासेस हैं उनका विज्ञापन खुद ही हो जाता है। ठीक है, मैं बात कर रही हूँ ऑफलाइन जो करवाते हैं उनके लिए। थर्ड, वित्तीय विज्ञापन। वित्तीय विज्ञापन खरीदने का विज्ञापन कोमा उपभोक्ताओं को निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने का विज्ञापन करते हैं, प्रोत्साहित करने का विज्ञापन करते हैं ऐसे विज्ञापन करने का विज्ञापन करते हैं के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विज्ञापन करते हैं ऐसे विज्ञापन इसी श्रेणी में आते हैं। कभी कभी कंपनी अपनी आय व्यय संबंधी कभी कभी कंपनी अपनी आय व्यय संबंधी जानकारी भी विज्ञापन में देते हैं। उनकी आर्थिक
स्थिरता, आर्थिक स्थिति की दृढ़ता, लोगों के बीच दर्शा सकें। तो वित्तीय विज्ञापन जो होता है वह ऐसा विज्ञापन होता है जहां जनता को अपने पैसे इन्वेस्ट करने के लिए कहा जाता है। हाँ, जैसे कि भारतीय जीवन बीमा निगम, जो कि काफी पुराना है, उसी को शॉर्ट फॉर्म में आप लोग LIC बोल रहे हैं, ठीक है। और भी कई हैं, जैसे मुथूट फाइनेंस, कुछ पैसे उधार दे के बाद में धीरे धीरे आपसे पैसे लेते हैं विथ इंटरेस्ट, है ना। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने बारे में आपको बताते हैं, और यह भी कभी कभी बताते हैं कि इनके पास जो है आर्थिक रूप से यह काफी मजबूत हैं। यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका पैसा डूबेगा नहीं। तो ऐसे विज्ञापन इसीलिए किए जाते हैं। लेकिन साथ में यह भी दिया जाता है कि आप लोग जो दस्तावेज है उसको ध्यान से पढ़ लीजिए। तो जरूर पढ़ना चाहिए, जब आप अपने पैसे कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके बारे में अच्छे से जानकारी ले लेनी चाहिए, तभी पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो म्यूचुअल फंड्स के बारे में नहीं जानते लॉस में चले जाते हैं, शेयर मार्केट के बारे में जिन्हें अधिक जानकारी नहीं होती है उनको क्या किया जाता है, एक पक्ष सिर्फ दिखाया जाता है कि पैसे डबल हो जाएंगे, और दूसरा पक्ष यह नहीं दिखाया जाता कि अगर शेयर मार्केट डाउन हुआ तो आपके पैसे भी चले जाएंगे, इसके बारे में जानकारी नहीं देते हैं, या फिर थोड़ा बहुत बता देते हैं। लेकिन जो इन्वेस्ट कर रहा है उसको पूरी जानकारी मांगनी चाहिए, ठीक है, तभी नहीं तो जनता मूर्ख बन जाती है, फिर बाद में कहते हैं, वही लोग कहते हैं मैं तो ठगा गया। तो आप आईना का एक तरफ देख रहे हैं कि यहाँ बहुत अच्छा चेहरा दिख रहा है, चलो ठीक है, लेकिन अपना फेस भी तो देखो, दूसरों का फेस देख के कहोगे नहीं खूबसूरत चेहरा है, अपना फेस भी देख लो। तो मतलब यह है कि इन्वेस्टमेंट से पहले पूरी जानकारी हासिल करनी चाहिए। ये संस्थानिक वित्तीय विज्ञापन इसीलिए दिए जाते हैं ताकि आप उनकी बातों में आए, लेकिन आने से पहले परखिए कि कितना सही कहा जा रहा है। लेकिन सबसे विश्वसनीय अभी तक अगर कोई रहा है तो वह है भारतीय जीवन बीमा निगम। बाकी का नहीं पता, अभी तक तो लगता है कि नहीं ठीक है। चलिए फोर्थ नंबर, औद्योगिक विज्ञापन। यह औद्योगिक प्रॉब्लम जाता है।
के विज्ञापन का उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित व्यक्तियों प्रतिष्ठानों तथा निर्माताओं का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए किया जाता है। रॉ मटेरियल मतलब कुछ रॉ मटेरियल के नाम बता सकते हैं? ओके। चीनी बनाने के लिए क्या चाहिए? गन्ना रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है। उसी तरह अब छड़ बनाने के लिए क्या चाहिए? तो अब अगर गन्ना किसी के पास अधिक है तो वह विज्ञापन करेगा, ठीक है, कि हमारे पास अत्यधिक गन्ना है। तो क्या दूसरों को हम जो कि चीनी उद्योग से संबंधित नहीं रखते, जिनका कोई संबंध नहीं है चीनी उद्योग से, उसका इस विज्ञापन से कोई लेना देना होगा? तो विज्ञापन व्यक्ति विशेष के लिए होते हैं या संस्था विशेष के लिए होते हैं, यह विज्ञापन सबके लिए नहीं होता। अब सामान्य तौर पर हम लोग छड़ को ले लेते हैं। क्या छड़ का उपयोग हर किसी के घर में हो रहा है? डेली कर रहे हैं लोग इस्तेमाल? नहीं, जो घर बना रहे हैं उन्हें ही चाहिए ना। जो भवन निर्माण से जुड़े हुए हैं या जिनको अभी घर बनाना है, तो यह विज्ञापन क्या हुआ? व्यक्ति विशेष के लिए हुआ। सीमेंट, क्या सबके घर में इसकी जरूरत है? तो इस तरह के विज्ञापन व्यक्ति विशेष के लिए किए जाते हैं या संस्था विशेष के लिए, ताकि वह इस विज्ञापन से आकृष्ट हो और उसे खरीदे। सीमेंट में भी कई तरह के सीमेंट आते हैं। अभी दीपावली चल रही है, घर को कलर करना है, बहुत सारे आ रहे हैं। देखिए आपके अंदर तुरंत नाम आ रहा है बाहर कि ये तो अभी चुकी जरूरत है, इसलिए हम लोग ज्यादा लोग उस तरफ ध्यान दे रहे हैं, हमारा ध्यान उस तरफ आकृष्ट हो रहा है। वरना क्या और भी किसी दिन में आप लोग पेंट की तरफ देखते हो क्या? ध्यान नहीं जाता है। तो यह विज्ञापन व्यक्ति विशेष के लिए होता है, सबके लिए नहीं होता, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, सूचना प्रद विज्ञापन। कितने विज्ञापन हो गए? पांच मान लिख रहे हैं आप। सूचना प्रद लिख दो? नहीं, जब इतना लिख रही हूँ तो सूचना प्रद।
सूचनाओं को प्रसारित करने, उद्देश्य से किए जाते हैं। साथ ही यह विज्ञापन साधारण जनमानस को जनमानस के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्रकाशित किए जाते हैं। ये विज्ञापन सामाजिक विकास यातायात सुरक्षा टीचर्स अगर थोड़ा सा बाहर जाए आप लोगों का शुरू हो जाता है। ये विज्ञापन मैं बोल रही हूँ, अगर आप लोग लिख लिए हैं तो नहीं लिखिए। ये विज्ञापन सामाजिक विकास यातायात सुरक्षा आदि क्षेत्रों में जागरूकता उत्पन्न करते हैं। तो सूचना प्रतिज्ञापन के बारे में है कि यह लोगों के बीच क्या करता है, सूचना फैलाता है। कि अभी मान लीजिए कोविड के बारे में सबों को जानकारी है, चाहे वे पढ़े लिखे हों या फिर नहीं पढ़े लिखे हैं, सबको पता है कि क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए, उसका कारण क्या है। अधिक से अधिक उसके बारे में प्रचार प्रसार किया गया, उसके बारे में सूचना को फैलाया गया। किसके माध्यम से? सूचना के द्वारा। कैसे? विज्ञापन कैसे? टीवी पर किए गए, रेडियो पे किए गए हैं। इवन जब आप किसी दूसरे को फोन करते हैं उस समय भी रिंगटोन की जगह आपको चाहे कौन बोल रहा हो वो जाने दीजिए,
आपको सूचना प्रदान की जाती है, ठीक है, ताकि जो पढ़े लिखे हैं वह भी और जो अनपढ़ हैं वह भी सभी कोविड के बारे में जान सकें और सावधानी बरतें। क्या करना चाहिए इसके बारे में भी कहा जाता है कि बार बार हाथ धोइए, और यह ऐसा भी नहीं है कि खत्म हो जाएगा, अब तो यह कहा ही जाता है कि अभी हमें बहुत दिनों तक इससे लड़ना है, तो हमें ऐसा मास्क तो लगाना ही है, साथ ही साथ बार बार हाथों को धोना है। आप सब को यूज करते हैं मतलब आप लोग बहुत ध्यान से सुनते और समझ रहे हैं। तो अच्छी बात है अगर ये बातें समझ आ रही है और ध्यान से इतने ध्यान से हर बात सुनते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो उसी तरह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बीच में यह भी सूचना इस पर दिया जाता था चाइल्ड लेबर पर, गुड, यातायात के बारे में, हेलमेट का इस्तेमाल करने के लिए, साइबर क्राइम से बचने के लिए, तो इस तरह की सूचनाएं लोगों तक दी जाती है ताकि आप बेवकूफ ना बने और आपका क्या हो भला हो, आप सावधानी बरतें, इसके लिए इस तरह की सूचना दी जाती है। और जब टीवी पर आप यह सूचना सुनते होंगे तो बाद में कहा जाता है सूचना जनहित में जा रही है, मतलब कि आपकी भलाई के लिए यह प्रचार बनाया गया है, ठीक है, इसे आप मनोरंजन ना समझें, यह सूचना प्रद विज्ञापन है, इसको ध्यान से अगर आप देखें तो इसको समझिए भी, इसको मनोरंजन के उद्देश्य से मत देखिए, आप बात मत कीजिए। नेक्स्ट, वर्गीकृत विज्ञापन। अपनी निजी आवश्यकता अनुसार प्रकाशित किए जा सकते हैं। उसमें देना पड़ता है ताकि लोग आपसे संपर्क कर सकें और जो उस
संस्था से या फिर आपसे जुड़ना चाहते हैं वो आपसे आकर बात करें। अगर किसी को आपने दिया वर्गीकरण विज्ञापन में कि आपका मकान खाली है, अगर किसी को जरूरत है तो आके उसमें आकर संपर्क कर सकते हैं, तो वह व्यक्ति जिसे जरूरत होगी वह आपसे आकर संपर्क करेगा, ठीक है। या कोई एक कमरा ही आप देना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप विज्ञापन कर सकते हैं। तो यह विज्ञापन क्या कहलाता है? वर्गीकृत विज्ञापन, ठीक है। नेक्स्ट, स्मारिका विज्ञापन। विज्ञापन भी इतने तरीके के होते हैं, मैं आपको आज पता चला। स्मारिका विज्ञापन में किसी भी संस्था का समस्त विवरण होता है, जैसे संस्था का परिचय, संस्था के प्रमुख कार्यक्रम, संस्था के पदाधिकारियों का विवरण, संस्था के पदाधिकारियों का विवरण आदि। अगर इंग्लिश में इसे कहूं तो प्रोस्पेक्टस, जैसे आपके स्कूल का भी है, उसमें आपके स्कूल की जितनी उपलब्धियां हैं उसके बारे में बताया जाता है, कितने टीचर हैं, क्या क्या पूरे साल में आप लोग किए उसके बारे में बताया जाता है। मतलब कि उसमें टोटल वो संस्था क्या क्या की, उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां कमाई हैं उसके बारे में रहता है। वहां पे कौन कौन से पदाधिकारी हैं उनके बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो यह होता है स्मारिका विज्ञापन। प्रोस्पेक्टस एक तरह का विज्ञापन ही होता है, ठीक है। फॉर्म, उसमें फॉर्म इंक्लूड करके दिया जाता है ताकि आप उस संस्था के बारे में अच्छे से जान सके, उसका डिटेलिंग किया होता है प्रोस्पेक्टस, ठीक है। राजनैतिक विज्ञापन, लास्ट, नेक्स्ट एंड लास्ट, राजनैतिक विज्ञापन। नैतिक लिख दो, उससे पहले राज लगा दो। जब चुनाव लड़ रहे दल अपने आप को एक वर्ड छूट गया, विभिन्न, जब चुनाव लड़ रहे विभिन्न दल अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए आकर्षक नारे बनाते हैं, तथा कई तरह के
वादों का प्रलोभन, देकर विज्ञापन प्रकाशित करवाते हैं, कई तरह के वादों का प्रलोभन देकर विज्ञापन प्रकाशित करवाते हैं। इस तरह के विज्ञापन को राजनैतिक विज्ञापन कहते हैं। इस तरह के विज्ञापन को राजनैतिक विज्ञापन कहते हैं। चुनाव के टाइम में देखे होंगे बहुत सारी जो पार्टियां रहती हैं अपने अपने पार्टी को सर्वश्रेष्ठ बताती हैं और उससे रिलेटेड तरह तरह के नारे बनवाते हैं। एक दो नारे तो जरूर याद होंगे आप लोगों को। किनका याद है? क्या है?